अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जाम फैमिली व्लॉग में खुश आमदीद कहती हूँ। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी हिफ्ज़ अमान में रखे। इसलिए आज का व्लॉग जो है वो ईद पर है। ईद आप सबको बहुत ज़्यादा वाली ईद मुबारक हो। और जो परदेश में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, उन सबको बहुत बहुत ज़्यादा वाली ईद मुबारक। और आज ईद का दिन है और आज जो है अल्लाह ताला बस हमारे रोज़े कबूल करे और जो हमने इबादत की है, टूटी फूटी जो भी इबादत की है, अल्लाह ताला बस उसको कबूल करे, आमीन। और आज जो है वैसे ख़ास तौर पे जो जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए वही है जो परदेश में लोग रहते हैं, जो मतलब जो अपने फैमिली से दूर होते हैं, जो अपने मतलब अपनी फैमिली से नहीं होते, अपने मुल्क से दूर होते हैं, वो लोग वहाँ पर ईद कर रहे होते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर होता है। अच्छा, तो उनके लिए बस ख़ास तौर पे उनको ईद मुबारक। अच्छा ख़ास यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है मिनसा को मैंने मेहंदी लगाई थी और रात तो वैसे भी मेरी ना मतलब मेहंदी में ही गुजरी थी, क्योंकि मैंने मेहंदी ही लगाई थी पूरी रात बैठ कर, चांद रात का व्लॉग नहीं बना सकी, बहुत मुश्किल था बनाना, सुबह की सवैयां खाई हैं ये, बहुत बिजी थी मैं इसलिए चांद रात का व्लॉग नहीं बना सकी। तो ये मैंने रात को लगाई थी मिनसा को मेहंदी, सब मानियों को और सबको, और कुछ लोग भी आए थे घर पर, उनको मेहंदी लगाई थी। फिर अब ये अस्सलामुअलैकुम, ईद का ड्रेस पहने हुआ है और ड्रेस के बारे में कुछ बताओ बोलो। ड्रेस का मेरे ख्याल में दिल नहीं था, वैसे ये पहले दिन ये वाला ड्रेस पहना था वाइट, और ये है अमल का ड्रेस। अब हम लोग अमल को रेडी करने की तैयारी कर रहे थे कि अमल ना ये वाला ड्रेस अम्मी ने सिया था, मतलब अमल की दादी ने सिया था और मेरी अम्मी ने सिया था। तो ये वाला हमने ड्रेस अमल को पहले दिन पहनाया था और ये रही अमल। और अमल जो है अभी तक तैयार नहीं हुई है, अभी हम लोग तैयार करेंगे ये ड्रेस वीडियो, और सारी चीज़ें हो चुकी थी, बस सफाई वगैरह कर ली थी हमने, अब जो है बस अमल को तैयारी करनी थी। अब मैं जो हूँ, पहले दिन तो हम लोग तैयार नहीं, पहला आना बस ही है। मैं सोच रही थी तैयार हूँ या नहीं हूँ, चले अब ये है अमल का फ्रॉक। ये जो फ्रॉक सिया था अम्मी ने, उसके साथ हमने ये हार था, चूड़ियाँ थी और इसका बैंड था। अब ये माशाल्लाह ये देखें अमल की फाइनल लुक जो हमने अमल को दी है, ये देखिए अमल का हमने हार भी बनाया था, ये देखें माशाल्लाह, देखा अमल को ये रो रही थी यहाँ पर, बहुत मुश्किल था क्योंकि ईद वाले दिन ना आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है और ना बहुत मुश्किल हो रहा था ना गर्मी में, और इतना ये था भी रेशमी टेस्ट तो मतलब इसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इतना मुश्किल है ना, ज़्यादा ना ये गर्मी लग रही थी उसको अमल का ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए तो रो रही थी बहुत मुश्किल से, हमने इसलिए कुछ कराए और मुश्किल से हमने इसका मतलब कुछ करवाया और फिर जाकर पिक्चर बनी गई सी पिक्चर, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आप उसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि हमें कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है या कुछ कमी है या कुछ जो भी है, आप मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए। यहाँ पर हमने बनाए थे चाइनीज़ चावल जो कि मेरी अम्मी ने बनाए थे, तो ये हमने तो खा रही थी दोपहर का खाना, सब्जियाँ बनाई थी वो, और वो हमें दी थी आंटी वालों ने, आंटी हमारे जान अम्मी की दोस्त हैं, उन्होंने हमें सेवियाँ भेजी तो हमने खाई थी। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे पार्क, पार्क में ये था कि मैंने ये ड्रेस पहना था अम्मी का, इसके साथ मैंने मैचिंग की ये पहने थे इयररिंग्स और झुमके टाइप, और ये चूड़ियाँ थी कलरफुल और ब्लैक कलर की, ये रिंग थी ग्रीन कलर की और एक ब्लैक कलर की थी, ये जो उस झुमकों के साथ की थी रिंग, और भी है, और भी है आई थिंक। देखिए ये ना ब्लर हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सही हो जाए फिर उसके बाद दिखाती। अच्छा एक ये रिंग, ये वाली वाइट गर्ल भी थी जो कि पुरानी, और ये मैं सबसे वाली रिंग जो उन्होंने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, सो वो वाली रिंग मुझे मिल गई फाइनली, शुक्र गुम हो गई थी। अच्छा ये था मेरा ड्रेस, सबसे पहले ये वाला के नाम का सिला हुआ है शलवार, सीरम लगाऊंगी फेस पे, लेकिन हाय मैंने, अच्छा मैं कलर का जो कि मैं लगाऊंगी, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ना चीक्स पे मैंने ये वाला नाम यूज कर रही थी प्लस ई वाला ना, और ये सिला वाला ये कितने खत्म हो गए, खैर इसमें से मैं सिर्फ शाइनर लेती हूं और
लगाऊंगी और बाकी सब चीज़ ब्लशन कभी कभी लगाया, बाकी सब चीज़ें मैं इतना यूज़ नहीं करती, ये यूज़ मेरी कर अच्छा इसकी मेरी फाइनल लुक ब्लश है। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं करना था दुपट्टे में गई थी दुपट्टे थोड़ा सा छोटा व्लॉग बना लूँ क्योंकि फिर चलो तो यहाँ पर हम लोग घर के लिए घर से बाहर निकल चुके थे, ये मेरी मानी के लोग, ये बच्चे जा रहे थे, अम्मी मेरी आगे आगे चलती जा रही थी। अच्छा वहाँ तो था वो मेरी मामानी जो है, दूसरी वाली मामानी रहती हैं, तो उनके हम लोग घर उनकी तरफ जा रहे थे क्योंकि मामू ने भी हमारे साथ जाना था, तो उनकी फैमिली के साथ हमें जाना था, तो वो भी वहाँ पर रेडी हो रही होंगी, तो फिर अभी वहीं पर जा रहे हैं, उनके घर जाएँगे, पर उसके बाद क्या होता है फिर वो लोग उन्होंने अपना रक्षा जाना था अपना यार तो सिलसिले वाला तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, अब देखो क्या होता है और क्या नहीं होता था, था। और ज़्यादा पैसे ले रहा था, तो इसलिए हमें ना थोड़ा टाइम लग गया और टाइम इसको थोड़ा था 5 बजे के था, हालांकि मैं निकलना 4 बजे था, अभी हम लोग यहाँ पर रक्षा वाले जाने, कुछ रक्षा जो थे वो बुक थे जो जाने के लिए तैयार नहीं थे और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल भी पैसे कम नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है हम लोग को सोच रहे थे अभी हम लोग जा रहे हैं कि भाई क्या करें, कहाँ से रक्षा मिलेगी, यहाँ से हम लोग इतना चल रहे थे कि बस लोग क्या बताएं, यहाँ मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी लुक भी दिखा दूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, देख लो चलिए दुपट्टा मैंने सही पहना है, अच्छा ये लोग को चलते हुए जाती मेरी चप्पल भी नहीं चला क्योंकि मैं ज़्यादा शूज़ पहनती हूँ ना, तो इस वजह से ना आप लोगों ने देखा भी होगा भैया उस पर, जब मैं ज़्यादा शूज़ पहनती हूँ मुझे हील वाली चप्पल पहन काम दर्द कर रहे थे, हालांकि अभी तो कौन से दिन थी ज़्यादा चली भी नहीं थी, फिर भी दर्द हो रहा था। भाई यहाँ पर देखिए मैंने पाँव पे फर्स्ट टाइम नेल पेंट लगाई थी और मुझे लगता है कि ड्रेस बहुत अच्छा लगा, ये तो मुझे नहीं पता कि अच्छी नहीं है कि ये नहीं, लेकिन मुझे कौन मेरा मुँह देखो मेरे मुँह दिखे रास्ते में, तो फाइनली हमें रक्षा मिल गया और फिर हम लोग जा रहे थे, हम लोग गुजर रहे थे कौन सा वाला रोड है, ये है यूनिवर्सिटी वाला रोड जहाँ से हम लोग जा रहे थे, और फिर रक्षा वाले अंकल मिल गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे अंकल मिले और हम लोगों ने सोचा कि चाहिए, तो फाइनली हम लोग साक्षी पार जा रहे थे, तो हम साक्षी पार जाने के लिए रास्ते में कि यूनिवर्सिटी से हम लोग गुजर रहे थे, बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने के, फिर भी मैंने सोचा कि चले जाते हैं यार क्या हो गया, फिर हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली पार पहुँच गए, मौसम बहुत अच्छा था, कांवड़ पीमर देता चावड़ देता, मौसम बहुत अच्छा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शाम के बाद मौसम अच्छा हो गया था, अब ये था साथ ही, तो ये जो आगे जा रहे हैं वाइट ड्रेस में मेरे मामू हैं, वो मेरी कज़न है जो येलो कलर में जो ड्रेस पहना है मास्क पहना है, ये बच्चे सारे भाग के जा रहे हैं साथ ही पार्क के अंदर, तो इसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि मामू आगे के चाहिए देखेंगे साक्षी पार्क था बराबर, तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे, अब हम लोगों ने सोचना था कि हमने बैठना था, अच्छा पिछली दफ़ा जब हम लोग बैठे थे ना हम लोग उस साइड पे बैठे थे, उस साइड पे ना ये वाली साइड पे, उस वाली साइड पे हमें बैठे थे और ना दरवाजे के सामने ही बैठे थे, जब पिछली दफ़ा शायद आपने पिछले ब्लॉग भी देखा हो, तो हम लोग यहाँ पर बैठे थे, अब मामू कह रहे थे कि नहीं यहाँ नहीं बैठना थोड़ा आगे जाके बैठते हैं किसी और जगह पर बैठते हैं, तो हम लोग फिर चलते ही जा रहे थे, अभी देख रहे थे कि कहाँ कहाँ जाएँ, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, मुझे तो मज़ा आ रहा था, मज़ा इतना ज़्यादा, फिर हम लोग मैं मम्मी के पीछे चलते ही जा रही थी और अपने पाँव दिखाए थे तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे अपने पाँव, तो फाइनली रश बहुत ज़्यादा था बच्चों का, फैमिली बहुत ज़्यादा वाली आई हुई थी और बहुत ज़्यादा रश था वहाँ, क्योंकि ईद का था दिन और लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर आए हुए थे, कोई खाना खा रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई बच्चे घूम रहे थे, कोई चूल्हे ले रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय किया लोग, काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पर, हाँ बड़े हम लोग भी बस जगह ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ बैठना है कहाँ बैठना है, आप लोग देख ही रहे हैं कि इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर, और फिर मैंने अपने पानी से भर लिया और फिर ये देखेंगे शाम हो चुकी थी मेरी फैमिली, तो यार ऐसे जैसा होता है हम कहेंगे आपकी मर्जी आप रास्ते में बैठे हैं तो कहीं नहीं बैठ सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता पास,
है यहाँ पर हम लोग कहाँ बढ़ेंगे। अभी ये जो है ये पार्क देखेंगे, ये देखेंगे इतना खूबसूरत लगता है, हम जो देखेंगे अभी ये पार्क इतना कचरा हुआ था कि लोग शायद सुबह से लोग आए होंगे, काफ़ी लोग चले भी गए होंगे, आए होंगे फिर लोग चले गए होंगे। अच्छा यहाँ पर देखेंगे, मैंने कहा कि थोड़ा आसमान आसमान की चलो वीडियो बना लूँ, फिर आप लोगों को दिखाई। फाइनली हम लोग यहाँ पर बैठ गए, अमल को बिठाया हमने और मैं भी थोड़ी देर, मैंने कहा सोचा बैठ, मैं शायद बैठ ही गई थी, मैं तो ज़्यादा ही थक गई थी क्योंकि मैंने गेंद वाली चप्पल पहनी थी, मेरा बहुत ज़्यादा चलना हो रहा था और ये सब चीज़ें। अमल को देखिए माशाल्लाह से, अमल ने बिल्कुल भी थोड़ा तंग नहीं किया, बहुत पहले पिछले दफ़ा जब जीवी हुई थी उसने बहुत तंग किया था, लेकिन इस बार अमल ने इतना ज़्यादा तंग नहीं किया, खुश हो रही थी पार्क में। और जब पिछले दफ़ा हम लोग वहाँ पर गए थे ना साक्षी पार्क, जब पिछली दफ़ा आए थे आप लोगों ने अगर ब्लॉग नहीं देखा तो ब्लॉग देखी थी, उस वक्त भी अमल ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, हम लोग एक दरख्त के नीचे बैठे, पता नहीं उसका था कोई इशू, पता नहीं क्या था। तो खैर अम्मी ने इसका बंदोबस्त किया हुआ था अमल को चुप कराने का, अमल के लिए अम्मी जो है ना लॉलीपॉप लेकर आई थी और पापड़ वगैरह बंदोबस्त करके आई थी अमल के लिए। तो मुझे बस मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग यहाँ पर पूरी फैमिलीज बैठ चुके थे और अम्मी ने लॉलीपॉप उठा के अमल को दे दी थी कि तुम अब ये खाओ मज़े करो, तुम रोना बंद करो। ये अमल को हम पिला रहे थे पानी क्योंकि हम लोग थके हुए आए थे, तो अमल को मैंने ये समझा, अम्मी ने कहा कि पानी पिला के। ये अम्मी जो है अम्मी का हाल सेट कर रही थी यहाँ पर, और अम्मी को उनकी मतलब उनकी दादी ने भेजा भेजा है, तो आंटी नजमा ने भेजा है, संबल वालों ने भेजा है, तो उनका थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा लग रहा था ये माशाल्लाह से, और गर्मी भी थी तो इसलिए भी हमने ये पहनाया था। और बाकी बच्चे जो है वो कोई चिप्स खा रहा था और अमल जो है माशाल्लाह से लॉलीपॉप खा रहे थे। अच्छा अब मैंने सोचा कि अब थोड़ा घूम फिर लेते हैं पार्क वार्क को, थोड़ा देख लेते हैं कैसा है भाई, क्या है क्या नहीं। तो ये थी मेरी वीडियो और मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरी पूरी लुक क्या लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये था मेरा लुक, मैंने पूरा ड्रेस पहना था, बाल वगैरह शूज तो नहीं दिए थे। खैर ये थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को, ये मेरी अम्मी थी और ये मेरी अम्मी ने ग्रीन कलर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपको अल्लाह ताला खुश रखे, ईद मुबारक हो, ऐसे हैं आप लोग, बड़े अच्छे बाद मिले हैं हम लोग, और खुश रखे आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे, खुश रखे, ईद मुबारक हो, और सब ठीक ठाक है। हाँ तो अम्मी ने आज पहना है पूरा, अम्मी पूरी ड्रेसिंग तो दिखाएं अपनी, ये अम्मी ने ड्रेस पहना हुआ है, ये पर्स उठाया हुआ है और ये झुमके पहने हैं ये वाले, ठीक है। वहाँ मानी लगी हुई है सुदेश की तस्वीरें बनाने के लिए, और यहाँ का मौसम सही है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कि आज वैसे भी बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है, खैर रश है लेकिन उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा। अब लोग ये बच्चे जो है ना, अब ये लोग फोटो शूट करने जा रहे हैं और हम लोग आदमी जो है ना वहाँ बैठे हैं, और हम लोग जो है मैं सोच रही हूँ कि यहाँ राउंड लगाएं थोड़ा सा, लेकिन पता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मगरिब होने वाली है, और ये जो सामने हैं बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है यार, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, अंदर ग्रीनरी ग्रीनरी में ज़्यादा आता है तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वैसे भी अब मगरिब का टाइम होने वाला है, रात होने वाली है तो ज़्यादा है भी नहीं। अच्छा ये अमल आई है, ओ ये देखे अमल, अमल ने आज फुप्पो का ड्रेस भेजा है, मेरी मतलब इसकी दादी ने ड्रेस भेजा है वो पहना हुआ है। मुझे ना बस अच्छा खाने पार्क में, अच्छा पार्क में आए हुए आप घूमने फिरने, किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ आए हैं, फैमिली के साथ आए, वाह भाई वाह माशाल्लाह। हाँ तो ये मेरे मामू हैं, बड़े मामू हैं, और ये पंजाब में ज़्यादातर रहते हैं, तो इन ये भी आपको ईद मुबारक कह रहे हैं, ईद मुबारक, और सबको जो भी देख रहे हैं दुनिया में सबको ईद मुबारक, आपको और मुझे सब्सक्राइब करें। हाँ बोले मेरी भतीजी मेरी भांजी को सब्सक्राइब करें, मेरी भांजी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें,
और शेयर करें, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको पार्क में आकर? अच्छा लग रहा है? पार्क सही तो है पर मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा ना पार्क में? अच्छा पार्क मज़ा नहीं है ना? अभी शाम में भी हो गई है तो इस वजह से भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इस वजह से मगरिब होने वाली है, इस वजह से भी है यहाँ। तो अम्मी आप कुछ कहना चाहेंगी? अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, खुश रखे। पार्क में आए, कुछ खाया पिया भी है या नहीं आपने? रोजे सही सलामत गुजर गए और खुशियों के साथ, अच्छा मौसम था, अच्छे रोजे गुजर गए। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। पापड़ खा दी मैंने, यहाँ पर अजान होना शुरू हो गई, मगरिब का टाइम स्टार्ट हो गया। आ जाओ ना वहाँ चलते, यहाँ जाने वहाँ बैठे हुए हमारे तो सुदेश और हनान जो है ना वो गुम हो गए थे, फिर हम उनको लेने गए थे। अजान हो रही है माशाल्लाह से ना। मैं आज हील पहन के आई हूँ ना, इतना ज़्यादा मुझे वो हो रहा है ना। अभी हम लोग अपनी जगह से उठकर कहीं और जा रहे हैं झूले खिलाने। तो लोग कोने कोने में बैठा हुआ है। मेरा पापी यहाँ कल एक नमाज भी पढ़ लेते, माशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। अच्छा ये हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर जो है ना वो है झूले की तरफ जाएंगे। हम और बच्चे जा रहे हैं साथ। में 50 रुपये टिकट थी, फी पर्सन ले लें या फी बंदा ले लें। तो ये मीरब रही और मीरब मास्क पहनेगी अभी। यहाँ मेरी मेहमानियाँ खड़ी हुई थी कि एक कौन कौन जाएगा अंदर कौन नहीं जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं कौन। मैंने एक झूला भी नहीं खाया, एक फ्लाइट में 10 बच्चे खड़े हैं। लेकिन अगर देखो हम लोग यहाँ से एंटर होंगे, जाने दें अंदर। और ये रहा चंकी मंकी, तो फाइनली अब हम लोग जाएंगे अंदर। ये देखें ट्रेन
ये ऐसे ये हमने ली है टिकट। चलो 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 लाइने बनाओ चलो। मुझे दो एक एक वाली जगह पे खड़ा होना है तो बहुत लंबा लग रहा है मुझे तो। ये बहुत ज़्यादा खैर मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये ना हमने ये कार्ड में ना पैसे डलवाने हैं तो ये बच्चों ने खाना है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना रश है इतना ज़्यादा रश है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतनी जल्दी हो पाएगा ये लोग सारे। खैर देखते हैं वहाँ से उतर रहे हैं वो तो।
लग रहा मेरा भी लगा। मजे का था ये नहीं मजा आया। चलो उस को पकड़ो भाई, उस हाथ पकड़ आप। अच्छा ये भी झूले हैं, अभी तो हम लोग वहाँ काफी जा रहे हैं। ही करवाया था तो अब ये था कि अनान ने ये वाला सब गेम चूज़ किया, और फिर उसके बाद ना उन्होंने ये वाला गेम खेला, और मेरे मामा उनको खेलना नहीं आ रहा था सदैस को, तो फिर मामानी शुरू हो गई उन्हीं के साथ ना, फिर मामानी भी खेलने लग गई, और फिर टाइम बहुत कम था, वहाँ पर टाइमर लगा हुआ था, तो इतने टाइम तक आप खेल सकते हैं। अच्छा इसकी प्राइस मुझे याद नहीं आ रही कि इसकी प्राइस कितनी थी, आई थिंक सो 150 था, 150 था या 100 था, इतनी थी इसकी। तो ये टाइम ख़त्म हो रहा था और ये मामानी खेले जा रही थी क्योंकि सदैसे ना बॉल ऊपर नहीं हो रही थी, जस्ट छोटा है इस वजह से। खैर आगे देखें अब क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ये उस्वा और मिनसा इस झूले में बैठे थे, मतलब ये पता नहीं वैन थी, आई थिंक वैन थी, फैमिली वैन थी, गाड़ी थी, जो भी था ये वो थी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर ये मिनसा और ना उस्वा बैठे थे। ये देखिए अभी ये देखिए Thank you.
जाते हैं तो फिर आपको ये भालू मिलेगा। वाह भाई वाह, ये कोई गेम है आई मीन। खैर यहाँ फिर हम लोग, अच्छा तो फिर हम लोग यहाँ आए इस झूले की तरफ जो ये चेयर वाला झूला है और ये राउंड 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 घूमता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बैठे थे उस्वा, मिंसा और सुदेश। सुदेश और मिंसा लोग बैठे थे, ये देखिए ये रेड शर्ट में जो है सुदेश और मिंसा बैठे हुए थे। अभी हम लोग बैठ गए हैं भी ख़त्म हो चुका था तो इसलिए वो लोग आ गए। तो यहाँ पर होता है हमारा व्लॉग आज का ख़त्म। ये देखें लास्ट में जो है ये मैंने पिक्चर्स डाली हैं जो कि मैंने वहाँ पर बनाई थी अम्मी की अपनी, और ये पिक्चर्स देख सकते हैं आप लोग। और ये देखें ये मेरा फुल ड्रेस था जो मैंने पहना था। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे ये ड्रेस अच्छा लग रहा था या नहीं। खैर ये ड्रेस बहुत खुला था और ये मेरी अम्मी का ड्रेस था और बहुत प्यारा था। तो लास्ट में ये वीडियो, इस वीडियो के साथ मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत 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 सारा वाला ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे मैसेज करें कि मैं दोबारा से वो व्लॉग बनाऊँ, दोबारा से मैं व्लॉग बनाऊँगी सही है। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों को भी मैं दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आमीन, और मुझे भी खुश रखे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।